नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तब से लगातार विवाद जारी। दरअसल शिवसेना ने आत्मा से समझौता करके सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, लेकिन कभी राष्ट्रभक्त रही शिवसेना को अपने सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस से बार बार दिक्कत हो रही। महाराष्ट्र सरकार में सत्ता पर काबिज एनसीपी और शिवसेना में मनमुटाव बढ़ गया। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा अपने हाथ में लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं। शरद पवार ने कहा कि केंद्र का इस तरह से राज्य के हाथों से जांच लेना गलत है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके फैसले का समर्थन करना भी गलत है। महाराष्ट्र पुलिस में कुछ लोगों का व्यवहार भीमा कोरेगांव जांच में शामिल आपत्तिजनक था। मैं चाहता था कि इन अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। सुबह में पुलिस अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई थी और दोपहर 3 बजे केंद्र ने मामले को एनआईए को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। ये संविधान के अनुसार गलत है, क्योंकि अपराध की जांच राज्य का अधिकार क्षेत्र है। बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र के इस फैसले की ये कहते हुए आलोचना की थी कि केंद्र सरकार को जांच में दखल देने का पूरा अधिकार है, लेकिन एनआईए को जांच सौंपने से पहले उसे राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था। बता दें कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि 2 और 3 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के संबंध में दलित कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मामले वापस ले लेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र की मुरबा कलवा सीट से एनसीपी विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवहार ने भी ट्वीट कर यही मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आरे आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को मुक्त कर दिया गया है। अब इस सरकार को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों को पिछली सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त करना चाहिए। हाँ, ये हमारी सरकार है। हालांकि पिछले महीने केंद्र सरकार ने इस केस को पुणे पुलिस से लेकर केंद्रीय सरकार के अधीन जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया था। जब ये केस राज्य सरकार से छिन गया, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने बाद में इसे स्वीकृति दे दी, जिसके कारण ही एनसीपी नेता शरद पवार गुस्सा है और वे अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि जून 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में ये पाया गया था कि माओवादी 21 मई 1991 में हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। पीएम मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ी कड़ी में पुलिस की स्पेशल टीम ने देश भर के कथित नक्सल समर्थकों के घरों व कार्यालयों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करनी शुरू की। इस मामले में पुलिस ने सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवर राव, वेरनॉन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा को गिरफ्तार किया था। इन सभी कार्यकर्ताओं पर भीमा कोरेगांव हिंसा एल्गार परिषद से जुड़े होने का भी आरोप था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि इन अर्बन नक्सलियों ने पुणे में एल्गार परिषद सम्मेलन में सहायता की थी, जिसके बाद ही हिंसा फैली थी। अब इस मामले की जांच एनआईए के हाथों में चली गई है, तो इन अर्बन नक्सलियों के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकेगी और दोषियों को उपयुक्त सजा दी जाएगी। एनसीपी की हताशा देखकर आप समझ सकते हैं कि इस फैसले से वो कितनी नाखुश है। स्पष्ट है, एनसीपी के करीबियों का भी भीमा कोरेगांव केस में नाम सामने आ सकता है। इसके लिए हमें जांच खत्म होने तक का इंतजार करना होगा, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जिसकी वजह से शिवसेना और एनसीपी के बीच खटास बढ़ती जा रही है।